एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए ये जो भुट्टे हैं फ्रेश भुट्टे वो लेके आई हूँ, उनका हम चीला बनाएंगे, जिसमें मैंने ये देखिए आधे भुट्टे तो छील लिया, अभी ये मैं इसको भी छीलूंगी। आप हाथ से भी इसको दाने इसके निकाल सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ये नाइफ लेके और ऐसे ऐसे कर, ये देखिए ऐसे भी इसके ये दाने निकल जाएंगे। ऐसे में इसको सारे इसके दाने ऐसे करके देखिए, मैंने सारे भुट्टों को अच्छे से ऐसे छील लिया है और बारिश के मौसम में ये बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश आते हैं। इनकी बहुत सी रेसिपियाँ बनती है। अब इसको हम इस अच्छे से इसको धो लेंगे। धोने से इसके जो ये वाइट रेशेज और ये जो के अंदर होता है जो सारा निकल जाएगा। हमने इसको अच्छे से धो लिया है। अब इसके अंदर हम ये हरी मिर्च कटी हुई, अदरक, प्याज मीडियम साइज का कटा हुआ है और लहसुन। लहसुन थोड़ा ज्यादा ही डालना है इसमें, इसकी लहसुन की स्मेल बहुत ही अच्छी टेस्टी और अच्छी ताजा स्वाद बनाता है इसका। अब इन सबको हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में। देखिए हमने इसको पेस्ट को बनाया है, इसको दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा मेन पेस्ट इसका नहीं बनाना, ऐसे ही करके हम सारा पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब इस पेस्ट में हम और मसाले डालेंगे, इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, जीरा, हींग, काली मिर्च का पाउडर, सारा सामान मिक्स कर लिया। अब इसमें ये 3 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, बेसन से इसमें बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। ये 3 चम्मच डाल दिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लाल मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हरी मिर्च का ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसको ढक के रख देंगे और हम हमारा तवा इसको ढक कर हम हमारे तवे को तैयार करेंगे। हमने लोहे का तवा लिया, आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। गैस ऑन करेंगे, गैस मीडियम ही रखेंगे, लो फ्लेम पर, और बेसन का सरसों का तेल इसके डालेंगे। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं, तो चारों तरफ अच्छे से मिक्स लगा देंगे इसको तवे से, ये अच्छे से तेल अब्सॉर्ब कर ले। हमारा तवा गर्म होता है जब तक हम हमारे बैटर को देखते हैं। देखिए अच्छे से फूल भी गया ये और ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ज़्यादा पानी भी नहीं मिलाना है इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से बाइंडिंग हो गया। क्या हमारा तवा गरम हो गया है, उसको मतलब ये इसका तेल का धुआं उठ रहा है, ज़्यादा गरम नहीं करना है इसको, लो फ्लेम पे ही रखना है। और हम लेडल की सहायता से इसमें धीरे से इसको डालेंगे और धीरे धीरे इसको फैलाएंगे। देखिए इसको अच्छे से ऐसे धीरे धीरे फैलाएंगे, ये ऐसे तो थोड़ा मोटा ही बनेगा। फैला के और नीचे से सिकने देते हैं इसको। देखिए हमारा डोसा मतलब मक्के का चीला जैसे सिक गया है, इसको हम उलट देंगे। देखिए इधर से तो अच्छे से सिक गया, इसको इधर से भी सेकेंगे। लेके इसको इधर से तो सीख गया, अब इधर से वापस इसको कट के देखते हैं। देखे बड़े अच्छे से, उधर पहले तवा एकदम ताजा होता है इसलिए उधर से चल जाता थोड़ा सा टाइम, यहाँ से देखिए इतने अच्छे से सीख गया है और हमारा चिल्ला तैयार है। अब थोड़ा सा सेक लेते हैं इसको। देखिए हमारा चिल्ला तैयार है, इसको थोड़ा ध्यान से ही उठाइए, ये थोड़ा सा ठीक है और ये अच्छा तैयार हो गया, सीख गया। इसको हम
प्लेट में। अच्छे, अब ऐसे ही दोबारा डालेंगे। ठीक है, दूसरे चिल्ली को भी इस प्रकार डाला है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, फिर से इसका सिक जाएगा। ये देखिए सिक गया इधर से, इसको पलट लेंगे धीरे से। देखिए सिक गया, इसको सेकेंगे। देखिए हमारा ये चीला भी तैयार हो गया, अब इसको हम डाल लेते हैं। ऐसे ही सारे हमारे डोसे मतलब उसके कॉर्न के चीले एकदम रेडी है। देखिए देखने में ही बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लग रहे हैं, आप इनको जरूर बनाइए। और ये बहुत ही अच्छे होते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब इसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप ज़रूर इसको बनाकर ट्राई कीजिए, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।